Let's start with tuples. टपल्स से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। टपल्स में के बारे में अगर आपको बोला जाए तो इट्स बेसिकली वेरी सिमिलर टू लिस्ट। मतलब लिस्ट जो आपने कल पढ़ा और अभी जो आप टपल पढ़ रहे हो, दे आर लाइक वेरी सिमिलर। बस एक दो बड़े डिफरेंसेस होते हैं, वो हम पढ़ते पढ़ते देखेंगे। सो सेम ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे। विल फर्स्ट क्रिएट, देन विल एक्सेस, देन विल एडिट, देन एड, देन डिलीट, एंड देन फाइनली विल लर्न ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑन टपल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग टपल्स। हाउ टू क्रिएट अ टपल। ठीक है, सबसे पहले आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट एन एम्प्टी टपल। ठीक है, अगर आपको एक एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो इफ यू फॉलो दिस सिंटेक्स तो इट विल क्रिएट एन एम्प्टी टपल। ओके, सो दिस इज एन एम्प्टी टपल। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ होमोजीनियस टपल। होमोजीनियस टपल मतलब एक ऐसा टपल जिसमें सारे आइटम सेम डेटा टाइप के हैं। ओके, तो आई विल जस्ट डू दिस। दिस इज अ होमोजीनियस टपल। ओके, सिमिलरली यू कैन ऑल्सो हैव हेट्रोजीनियस टपल्स, जहां पर आपके सारे के सारे आइटम्स या कुछ आइटम्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। लाइक दिस वन, हेलो 4 5.6। नाउ दिस इज अ हेट्रोजीनियस टपल। यहां तक सब कुछ बिल्कुल लिस्ट की तरह जा रहा है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट 2D टपल्स। जैसे आप 2D लिस्ट बना सकते हो, वैसे ही आप 2D टपल्स भी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सिमिलर है। अभी तक भी आप 3D टपल भी बना सकते हो, मैं नहीं बना रहा हूं, आई थिंक यू गेट द आइडिया। एक चीज डिफरेंट हो जाती है, अगर आप एक ऐसा टपल बनाने जाओ जिसमें सिर्फ एक आइटम है लाइक दिस, तो फिर प्रॉब्लम होता है। कैसे प्रॉब्लम होता है, लेट मी शो यू। अब आपको लगेगा कि ये बन गया है टपल, बट टपल बनता नहीं है। देखो, अगर आप टाइप ऑफ P5 निकालो तो यू वुड सी कि इट इज अ इंटीजर। ठीक है, तो सिंगल आइटम टपल बनाना ऐसे नहीं होता। आई क्विकली शो यू किसी ने या सो T5 इज इक्वल टू, अगला एक स्ट्रिंग भी डालोगे तो भी नहीं काम करेगा। अगर इस पॉइंट पे भी आप टाइप ऑफ P5 निकालो, यू विल स्टिल गेट str। तो सिंगल आइटम टपल कैसे बनाते हैं, जल्दी से देख लो। सिंगल आइटम टपल आप ऐसे बनाओगे, एक आइटम डालोगे और उसके बाद एक कॉमा लगा दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, T5 विल बिकम अ टपल नाउ। सो अगर आप टाइप ऑफ T5 निकालो, यू वुड सी नाउ इट इज अ टपल। ठीक है, तो ये बस एक थोड़ा सा डिफरेंट था लिस्ट के कंपैरिजन में। अभी तक दो डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, टपल में स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, और टपल में सिंगल आइटम टपल बनाना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक और तरीका होता है टपल्स क्रिएट करने का, दैट इज टाइप कन्वर्जन। सो लेट्स से अगर मैं T6 बना रहा हूं, आई कैन एक्चुअली यूज द टपल फंक्शन टू क्रिएट अ टपल लाइक दिस, जैसे हम लिस्ट में भी कर सकते थे। सो दिस इज T6। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ टपल फ्रॉम अ लिस्ट इफ यू वॉन्ट टू। लाइक हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज T6। ठीक है, तो दैट्स इट। टपल्स क्रिएट करने में आपको इतना ही पढ़ना था, और सब कुछ एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट सिंगल आइटम का टपल कैसे बनाया जाता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको आइटम के आगे कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू एक्सेस आइटम्स फ्रॉम अ टपल। यहां पर भी यू विड फाइंड कि एवरीथिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लिस्ट। लाइक आई गिव यू वन एग्जाम्पल, लेट्स से T2 है हमारे पास, हमें 1 चाहिए, तो हम फिर से T2 के आगे स्क्वेयर ब्रैकेट में 0 लगाएंगे, हमें 1 मिल जाएगा। अगर हमें 5 चाहिए तो T2 के आगे हम -1 लगाएंगे और हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्लाइसिंग भी एज इट इज काम करता है। सो अगर आपने 0 4 दिया तो यू विल गेट 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 2D टपल का भी अगर आप बात करो तो सेम तरीके से ही सब कुछ होता है। लेट्स से अगर मुझे 4 निकालना है तो आई वुड राइट -1 का 0 एंड दिस वुड गिव मी 4। तो यू कैन सी इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लिस्ट।
नाउ कम्स द क्वेश्चन कि डिफरेंस कहां पर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दो डेटा टाइप्स हैं तो कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होता होगा. तो डिफरेंस एक्चुअली आता है एडिट करने में. लेट मी शो यू, आपको एक एग्जांपल देते हैं लिस्ट का. अगर आपके पास एक लिस्ट है लाइक दिस और आपको लिस्ट के फर्स्ट आइटम को 1 से 100 में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कोड लिख देते थे और आपका लिस्ट में ये काम हो जाता था. बट अगर आप ये सेम काम टपल में करो कि अगर आपको फर्स्ट आइटम को रिप्लेस करना है 1 से 100 करना है, तो ये होगा. सी ये एरर पढ़ो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. इट मींस कि टपल डज नॉट सपोर्ट एडिटिंग. मतलब आप एक बार टपल बन गया, आप उसके अंदर के आइटम्स को एडिट नहीं कर सकते. और इसका रीजन है, टपल्स जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. ठीक है, जैसे स्ट्रिंग्स को आप एक बार बनने के बाद चेंज नहीं कर सकते, सिमिलरली टपल्स विल नॉट बी चेंज्ड वंस दे आर क्रिएटेड. ठीक है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. अगर आपसे कोई भी पूछे कि टपल और लिस्ट में डिफरेंसेस क्या है, तो ब्रैकेट अलग है, सिंगल आइटम क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, ये सब सेकेंडरी थर्ड नंबर वाले रीजंस होंगे या डिफरेंसेस होंगे. सबसे प्राइमरी डिफरेंस इज कि टपल्स आर इम्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. सो एडिटिंग आप कर नहीं सकते, एडिटिंग होगा नहीं. लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, कैन यू एड न्यू आइटम्स टू अ टपल? कैन यू, क्या आप नए आइटम्स ऐड कर सकते हो एक एग्जिस्टिंग टपल में? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट, बिकॉज अगेन द रीजन इज दैट टपल्स आर इम्यूटेबल. सो एग्जिस्टिंग टपल में चेंजेस नहीं हो सकते. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिलीटिंग टपल्स. एडिटिंग नहीं पढ़ना, एडिंग नहीं पढ़ना, लेट्स मूव ऑन टू डिलीटिंग. डिलीटिंग में वही है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास T1 था, एम्प्टी टपल. वी कैन यूज द डेल कीवर्ड, तो आप डिलीट कर सकते हो पूरे के पूरे टपल को. नाउ कम्स दिस क्वेश्चन, कैन यू डू दिस? सोच के बताना. वी हैव T3 और रादर वी हैव T2. यू हैव टू टेल मी विल दिस वर्क और नॉट. डेल T2 -1, वॉट डू यू थिंक गाइस, विल इट वर्क और नॉट? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप एक सिंगल आइटम को डिलीट कर रहे हो फ्रॉम अ टपल, तो आप ओवरऑल टपल में चेंजेस कर रहे हो, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू कैन नॉट डिलीट अ पार्ट ऑफ अ टपल. ठीक है, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल. ओके, और इसके बाद अगर आप बात करो कि ऑपरेशंस क्या क्या अवेलेबल हैं, व्हाट आर द ऑपरेशंस दैट आर अवेलेबल, तो गाइस ऑपरेशंस बिल्कुल वही हैं जो लिस्ट में होते हैं. यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो लाइक दिस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लाइक दिस, यहाँ पर भी आप लूप चला सकते हो. नॉट इन द रेंज T2 प्रिंट आई, एंड यू कैन सी आप उसी तरीके से लूप चला पा रहे हो. और आप यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर भी बिल्कुल वैसे ही यूज कर सकते हो जैसे लिस्ट में यूज किया करते थे. तो ऑपरेशंस सारे के सारे एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, फंक्शंस की अगर आप बात करो तो फंक्शंस भी गाइज सारे के सारे सेम ही है. ठीक है, आप लेंथ निकाल सकते हो टपल का, आप मिन और मैक्स निकाल सकते हो टपल का, आप सम निकाल सकते हो टपल का, और आप सॉर्टेड कर सकते हो एक टपल को. ऑब्वियसली वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो यूजिंग द हिडन पैरामीटर रिवर्स, रिवर्स इक्वल्स ट्रू. ठीक है, तो यू कैन सी इस पॉइंट पे अगर आपको कोई कंक्लूड करने को बोले तो क्या डिफरेंसेस है, मतलब टपल्स और लिस्ट में व्हाट आर द डिफरेंसेस? द डिफरेंस इज वेरी वेरी सटल कि टपल इज इम्यूटेबल, मतलब आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते एक बार बनने के बाद. लिस्ट्स आर म्यूटेबल, मतलब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो. राइट, अब सोच के देखो, इन अ वे सिर्फ वही ऑपरेशंस काम नहीं करते हैं टपल्स के ऊपर जो राइट ऑपरेशंस है. सोच के देखो, एक बार मेमोरी में बन जाने के बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. चेंज करने का मतलब होता है राइट करना. दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं डेटा के ऊपर, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन. ठीक है, रीड ऑपरेशन मतलब आप एक्सेस कर रहे हो आइटम को, वो हो जाता है.
लेकिन अगर आप राइट कर रहे हो मतलब एग्जिस्टिंग आइटम को चेंज कर रहे हो तो वो नहीं होता है. तो इन अ वे यू कैन से दैट टपल्स आर रीड ओनली डेटा टाइप. और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टपल का कि वो रीड ओनली है. मतलब आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो. रीड करने की सारी फंक्शनैलिटीज बिल्कुल लिस्ट की तरह है बट राइट करने की फंक्शनैलिटीज नहीं है जैसा लिस्ट में होता है. क्या फायदा, किस तरह के सिनेरियोज में फायदा हो सकता है? उस तरह के सिनेरियोज में फायदा हो सकता है जहां पे डेटा का इंटीग्रिटी जैसा है वैसा रहना चाहिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल गिव यू वन सिनेरियो. ये सेम एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट ईयर में दिया था कि आप लेट्स से आपका प्लेसमेंट आपके ही कॉलेज में हो गया. यू आर द वेब डेवलपर ऑफ योर कॉलेज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे रिजल्ट्स को पब्लिश करना जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपके कॉलेज में. और कल को आपका भाई सेम कॉलेज में एडमिशन लिया और उसको अपना मनपसंद का ब्रांच नहीं मिला. लेट्स से उसको सीएससी नहीं मिला, उसको सीएससी चाहिए था, ठीक है. एंड नाउ ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि यार मुझे सीएससी लेना है, क्या कर सकता हूँ मैं. तो समवन टोल्ड हिम कि अगर तुम पहले दो सेमेस्टर में 8.5 का सीजीपीए रखते हो तो तुमको अपने मनपसंद का ब्रांच मिल जाता है. बट यू नो पढ़ाई कैसी होती है वहां पे, तो बेचारा पढ़ नहीं पाया और उसका सीजीपीए 6.5 आया, ठीक है. अब रोते हुए वो आपके पास आता है और आपको रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप तो वेब डेवलपर हो, जो मर्जी दिखा सकते हो वेबसाइट पे, तो जब डेटाबेस से 6.5 आए तो उसको 8.5 बना के दिखा देना. अब सोच के देखो, अगर डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है अगर वो टपल में होता तो आपका भाई कौन से ब्रांच में होता? अगर वो लिस्ट में होता तो आपका भाई कौन से ब्रांच में होता? एंड यू कैन ईजिली सी कि अगर टपल में होता तो आप चेंज नहीं कर पाते क्योंकि यू कैन नॉट राइट. तो फिर आपका भाई उसी ब्रांच में पढ़ रहा होता जिसमें वो था. और अगर आप लिस्ट में मिला होता आपको डेटा तो आप उसको एडिट कर चुके होते और आपका भाई सीएससी में पढ़ रहा होता. तो दिस इज वन एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हो कि जिन भी सिनेरियोज में डेटा का इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है उन्हीं सिनेरियोज में आप टपल्स यूज करोगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिस्ट, ठीक है. सो आई रियली होप ये पूरा डिस्कशन गाइज आपको समझ में आ गया.